हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चंस करेंगे आईआईटी जेईई की प्रिपरेशंस के लिए। तो कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ मैं। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टू स्मॉल बॉल्स ईच हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज क्यू आर सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ एल मीटर फ्रॉम अ हुक fixed to a stand. The whole setup is taken in a satellite into space where there is no gravity. The angle between the two strings and the tension each string will be. क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन? दो बॉल्स हैं हमारे पास, दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज क्यू कूलम है, दोनों को किसी इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से बांधा गया हुआ है, क्लियर, जिनकी लेंथ है एल मीटर। तो इसका सेटअप पहले थोड़ा सा बना लेते हैं। ये हमारे पास एक सपोज स्टैंड हो गया, इससे दो, अगर मैं दो सेम चार्ज के दो सेम पॉजिटिव चार्ज को यानी सेम पोलरिटी के चार्ज को अगर मैं हैंग करता हूँ तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो कैसे हो जाएगा अरेंजमेंट? यहाँ भी क्यू चार्ज और यहाँ भी क्यू चार्ज, क्लियर। इसकी लेंथ कितनी है? एल मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस पर ग्रेविटी की वजह से वेट लगेगा एम जी, और इस पर भी लगेगा एम जी। टेंशन कहाँ लगेगी? ये लगेगी टेंशन, यहाँ तक हो गया। अब क्या कह रहा है, अब इस सेटअप को अगर हम किस में लेके जाते हैं, सेटेलाइट में लेके जाते हैं। इस सेटअप को, पूरे सेटअप को हम किस में लेके, सेटेलाइट में। और इसमें क्लियर दे भी रखा और पता, नहीं भी दिया होगा तो आपको पता है कि सेटेलाइट में ग्रेविटी नहीं होता। किस में लेके गए? इन सेटेलाइट, देयर इज नो ग्रेविटी। तो ग्रेविटी नहीं होगी तो हमें निकालना, पहले तो निकालना एंगल देन टेंशन की वैल्यू। तो पहला काम है हमारा एंगल। अब जब ये सेटेलाइट में जाएगा, ग्रेविटी नहीं है, तो वहाँ पे ये पूरा पोर्शन कैसे, ये जो हमारा अरेंजमेंट है किस में आ जाएगा? ये जो हमारा ये हैंग हो रहा था, ये तो कुछ ये पॉइंट बन गया सपोज, तो ये एक हॉरिजेंटली एक्ट करेगा क्योंकि ग्रेविटी एक्ट नहीं करी, तो वर्टिकली तो ख़त्म हो गया हमारा। ये क्यू चार्ज था और ये क्यू चार्ज था, यहाँ तक लेंथ एल थी स्ट्रिंग की, इसके बाद ये भी एल थी, क्लियर। तो ये एंगल कितना क्रिएट हो गया? 180 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इट मीन्स हमारा बी तो ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारा ए सी डी में से कोई एक, क्लियर। अब बोला इसने टेंशन, तो टेंशन कितना होगा? दो चार्ज हैं, दोनों के पीछे कुछ डिस्टेंस है फाइनाइट, तो इसको हम कैसे निकालते हैं? पढ़ा रखा है आपको बाय कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ क्या कहता है? 1/4 pi epsilon नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन में डिस्टेंस टू का स्क्वायर। तो सॉल्व करके आ गया 1/4 pi epsilon नॉट क्यू स्क्वायर 4L², क्लियर। तो किससे मैच कर रहा है ये ऑप्शन? हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए से। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्मॉल मेटल बॉल इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंसुलेटेड थ्रेड। इफ हाई एनर्जी एक्सरे बीम फॉल्स ऑन इट, द बॉल विल बी डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, बी द बॉल विल बी डिफ्लेक्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, सी द बॉल विल नॉट डिफ्लेक्ट एट ऑल, डी द बॉल विल मूव टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन तो हमारा काफ़ी ईजी है, पूरा का पूरा क्वेश्चन प्योर कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे, एक मेटल बॉल है जिसको हमने, ये हमारा एक मेटल बॉल है इसको हमने लटका दिया, ठीक है, किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में लटका दिया। हमें पता कोई भी मेटल जो होता है वो न्यूट्रल होता है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या कुछ और नहीं लगाया जाता, पोटेंशियल वगैरह। अब यहाँ पे ये न्यूट्रल है, उसके हम न्यूट्रल मीन्स क्या हो भी, हमारे पास ये नहीं पता है कि इसके पास चार्ज है तो कितना चार्ज है, किस टाइप का चार्ज है,
ठीक है, बट अब क्या बोल रहा है ये, एक्सरे फॉल कर दिया हमने इस पर एक्सरे, इट मीन्स अगर हम बिफोर एक्सरे, बिफोर एक्सरे फॉल्स ऑन इट, तो एक्सरे फॉल इस पर गिरेगी नहीं, तब तक फोर्स कितना रहेगा हमारा, जीरो। क्यों? क्योंकि चार्ज कितना है हमारा, वो भी जीरो, चार्ज है नहीं कुछ मेटल बॉल के पास। अब जैसे ही मेटल बॉल पे हमने एक्सरे को गिराया तो इसमें से क्या होगा, एक्सरे की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स निकालता है, इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा तो इसके पास क्या रह जाएगा, हमें नहीं पता, इसके चारों तरफ ये पता है कि इसके पास अब पॉजिटिव चार्ज आ गया इस बॉल के पास, हम मान लेते हैं वो पूरा पॉजिटिव चार्ज क्यू है इसमें, क्लियर। तो अब इस पे हमें क्या निकालना है, इस पे हमें निकालना है कि बॉल किस डायरेक्शन में है। अब ड्यू टू, अब पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और हमारे पास क्या है, चार्ज भी मिल गया, तो हमें पता है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, एफ इक्वल्स टू क्यू। चलो फोर्स तो हमें मिल गया, तो इसी फोर्स से पता चल जाएगा हमारा, अगर इस पे फोर्स लग रहा है तो किस डायरेक्शन में लगेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो बॉल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इट मीन ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू लार्ज वर्टिकल एंड पैरेलल मेटल प्लेट्स हैविंग ए सेपरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर आर कनेक्टेड टू अ डीसी वोल्टेज सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एक्स। पहले यहाँ तक कर लेते हैं, दो हमारे पास क्या है, वर्टिकल मेटल प्लेट्स हैं, ये दो वर्टिकल मेटल प्लेट्स जिनको कनेक्ट किया हुआ है डीसी सोर्स से, ठीक है, उनके बीच का सेपरेशन है 1 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, अ प्रोटोन इज रिलीज्ड एट रेस्ट मिड वे बिटवीन द टू प्लेट्स, इट इज़ फाउंड टू मूव एट 45 डिग्री टू द वर्टिकल जस्ट आफ्टर रिलीज, देन एक्स इज नियरली। कह रहा है एक प्रोटोन को हमने इसके कहीं बीच में रेस्ट पे छोड़ा है, उसके कुछ देर बाद देखा कि वो 45 डिग्री पे हो गया रिलीज करने के थोड़ी देर बाद, तो एक्स इट मीन हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की क्या वैल्यू होगी। अब ये हमारा प्रोटोन है क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, क्यू ई। दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगेगी इस पर, एम जी वेट, और ये कितने डिग्री पर आ गया वर्टिकल से, 45 डिग्री पर, तो यहाँ से ये फोर्स जो है इस पर जो एक फोर्स लग रही है इधर, ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल, इट मीन्स फोर्स ऑफ, इसको ले लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों इक्वल, ये है हमारे पास क्यू ई और ये है हमारे पास एम जी। अब हमने पढ़ा हुआ है कि ई इक्वल्स टू होता है वी बाय डी, इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में जो भी इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस होता है, तो इसको लिख देता हूँ, और वी इक्वल्स टू है हमारे पास एक्स, तो फॉर्मूला बन गया एक्स अपॉन में डी और एम जी, यहाँ से एक्स निकालना है तो एक्स इक्वल्स टू एम जी डी अपॉन में क्यू, क्लियर। तो इसको सॉल्व करते हैं, एम मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 × 10⁻²⁷, जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, 10 की टर्म चल रही इजी हो जाएगा, और डिस्टेंस है हमारा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10⁻²। क्यू मास ऑफ चार्ज, सॉरी चार्ज ऑन प्रोटोन, 1.6 × 10⁻¹। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्स हमारा 10, सब कुछ ये इससे कट जाएगा, अप्रोक्स इक्वल है, इस सब को सॉल्व करेंगे तो आएगा -20 +11, क्लियर, -20 +11, तो आंसर आ जाएगा अप्रोक्स 1 × 10⁻¹⁹ वोल्ट, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन, तो इसमें है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट्स आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर,
ये हमारे पास तीन शीट दे रखी है इनफाइनाइट, क्लियर। तो इस पे पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पी पॉइंट पे तीन शीट से निकालनी है, इसका मतलब क्या, इस पे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल तो लगेगा, ये तो कन्फर्म हो गया, ठीक है। अब करते हैं हम इसको सॉल्व। सबसे पहले हम निकालते हैं शीट वन के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट वन, हमने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन में टू टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, निकाल चुके हम। तो ई वन कितना हो गया, सिग्मा अपॉन में, क्लियर, सिग्मा अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तो हो गया। अब प्रॉब्लम है यहाँ पे हमारा, क्या प्रॉब्लम है, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करता हूँ मैं, हमें बोला है पी पॉइंट पे निकालना है। अब पॉजिटिव चार्ज पे जब डायरेक्शन निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम द शीट, इट मीन्स शीट से अवे, तो डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रही है, जेड एक्सिस से नीचे जाएगी, तो डायरेक्शन क्या होगी हमारे यहाँ पे, माइनस में, क्लियर। तो माइनस की होगी। अब निकालता हूँ मैं ई टू पे, चार्ज कितना उसका, टू सिग्मा अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इस पे भी डायरेक्शन जब निकालेंगे तो डायरेक्शन क्या होगी, अब हमने पढ़ा हुआ है कि माइनस चार्ज पे क्या होता है, इनटू द शीट होता है, तो इनटू द शीट क्या डायरेक्शन जाएगी, फिर से ये, इट मीन्स इस बार फिर से माइनस में आ गया डायरेक्शन। चलिए ये भी हमारा हो गया। अब निकालते हम ई थ्री, चार्ज है सिग्मा फिर टू एप्सिलॉन नॉट। अब बात आती है इसकी डायरेक्शन की, ये भी माइनस है तो ये कैसे जाएगा यहाँ से, ये भी टूवर्ड द शीट, तो टूवर्ड द शीट माइनस, तो डायरेक्शन क्या होगी, माइनस के। अब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से क्या कहता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, कि ई नेट इक्वल्स टू ई वन प्लस टू प्लस ई थ्री, ई नेट निकाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ई वन कितना है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ई टू कितना है, के माइनस के कॉमन है तो बाद में लास्ट में लिख देते हैं। ई टू है टू सिग्मा अपॉन में टू टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ये है सिग्मा अपॉन में टू टाइम्स एप्सिलॉन नॉट माइनस के, क्लियर। इस सब में क्या चीज़ सेम आ रहा है, माइनस के कॉमन ले लिया, नीचे का आपका सारा डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर क्या गया, सिग्मा टू सिग्मा थ्री सिग्मा, ये हो गया फोर सिग्मा। तो फोर सिग्मा अपॉन में टू टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट माइनस के, तो कितना आ गया ये, टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के, टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। तो आंसर क्या है हमारा, आंसर था हमारा, इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के, तो आंसर आ गया हमारा बी, तो बी हमारा ऑप्शन है बी। तो ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्री कॉन्सेंट्रिक मेटालिक स्फेरिकल शेल्स ऑफ रेडियाई आर टू आर एंड थ्री आर आर गिवन चार्जेस क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री रिस्पेक्टिवली, इट इज़ फाउंड दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द शेल्स आर इक्वल, देन द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द शेल क्यू वन रेशियो क्यू टू रेशियो क्यू थ्री इज, क्या कह रहा है, सबसे पहले हमारे पास तीन स्फेरिकल शेल हैं, तो तीन स्फेरिकल शेल हम बना लेते हैं, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्लियर। तीन स्फेरिकल शेल हैं जिसमें से एक का रेडियस है आर, दूसरे का रेडियस है टू आर, तीसरे का रेडियस है थ्री आर। तो फर्स्ट वाले पे चार्ज दे रखा है क्यू वन, सेकेंड पे चार्ज है Q2 और थर्ड पे चार्ज है Q3, क्लियर। फिर क्या बोला हुआ है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है तीनों आउटर सरफेस शेल पे कितनी है, इक्वल है। तो हमने पढ़ा हुआ सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू होता है चार्ज बाय एरिया, क्लियर। तो अब हमें क्या गिवन है कि सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा टू इक्वल टू सिग्मा थ्री, ये क्लियर है, ये गिवन है, ये क्लियर है यहाँ तक। अब सिग्मा वन कितना होगा,
कितना चार्ज है फर्स्ट पे, क्यू वन अपॉन में 4 पाई रेडियस आर स्क्वायर इसका एरिया। अब सिग्मा टू पे क्या आउटर सरफेस पे, एक तो चार्ज क्यू वन की वजह से, क्यू वन है तो नेट चार्ज कितना होगा इस पर, क्यू वन प्लस क्यू टू, तो क्यू वन प्लस क्यू टू अपॉन में 4 पाई और रेडियस है इसका 2r² स्क्वायर। सिमिलरली सिग्मा थ्री पे इट मीन्स थर्ड वाले पर जो हमारा थर्ड आउटर सरफेस है स्फेरिकल सेल है, तो इस पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री और एरिया जाएगा 4π3r² स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं, हम पहले दो को कंपेयर कर देते हैं, इन दोनों को जब कंपेयर करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास 4π r² से क्या होगा, इक्वेशन बन जाएगी और इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं 2 4 r² क्लियर, 4π से 4π ख़त्म, r² से r² ख़त्म, तो ये आ गया 4q1 = q1 + q2। तो q2 कितना आ गया हमारा यहाँ पे, q2 आ जाएगा यहाँ से हमारा 3q1 क्लियर। अब ऐसे ही अब हम कंपेयर कर देंगे पहले और लास्ट वाले को, कर दो फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी q1/4π r² और ये हमारी q1 + q2 + q3/4π 3r² 4π से 4π ख़त्म हो गया, q1/r² q2 है हमारा 3q1 वही पीछे निकाला हमने q3 ये हो गया 9r² तो r² से r² ख़त्म। अब कितना आ गया, ये हमारा आ गया 9q1 = 4q1 + q3 तो q3 कितना आ गया यहाँ पे 5q1 इट मीन्स रेशियो कितना आ गया हमारा q1 = q2 = q3 q1 अगर 1 था तो q2 3 times आ रहा और q2 3 times आ रहा और q3 आ रहा हमारा 5 times, ये रेशियो हो गया। और ये रेशियो का ऑप्शन क्या था हमारा, अगर हम ऑप्शन देखें तो ये रेशियो आ रहा है हमारा बी, तो ऑप्शन आ गया हमारा बी, ये था हमारा क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर कैरीज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सिग्मा पर यूनिट एरिया, इट इज़ मेड ऑफ टू हेमिस्फेरिकल शेल हेल्ड टुगेदर बाय प्रेसिंग देम विद फोर्स एफ, देन हमें फाइंड करना है एफ इज प्रोपोर्शनल टू। एक स्फेरिकल शेल है हमारे पास जिसका रेडियस आर है और यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज है इसके पास सिग्मा है, जो कि दो हेमिस्फेरिकल शेल से मिलके बना है, उनको प्रेस करके उन पर फोर्स लगाई गई है एफ। हमने इसके लिए हमने पढ़ा है कि जो हमारा प्रेशर होता है इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रेशर ऑन चार्ज वो होता है हमारा सिग्मा स्क्वायर अपॉन में सरफेस चार्ज डेंसिटी का स्क्वायर अपॉन में 2 times epsilon 0 क्लियर। और दूसरा हमने पढ़ा हुआ प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में एरिया, तो इन दोनों को जब मैं कंपेयर करूँगा f/A = σ² / 2 times epsilon 0 तो हमें फोर्स निकालनी है किसके प्रोपोर्शनल होगी, तो σ² (A) / 2 times epsilon 0 क्लियर। अब एरिया हेमिस्फीयर का एरिया क्योंकि हेमिस्फीयरिकल से बना हुआ है तो 2π r² (2σ ε0 क्लियर। अब 2 से 2 तो कैंसिल हो गया हमारा, तो क्या आ गया हमारे पास f = यह आ गया हमारे पास σ² π r² / ε0 क्लियर। हमें बताना है किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ रहा है हमारा पाई, यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है तो पाई हटाऊंगा तो मेरे पास क्या आ रहा है 1/ε0σ² r² ये किसके बराबर है, तो ऑप्शन में अगर हम मैच करें तो ये ऑप्शन हमारा मैच करता है ए से, तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया ए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टाइनी स्फेरिकल ऑयल ड्रॉप कैरिंग अ नेट चार्ज क्यू इज बैलेंस्ड इन स्टिल एयर विद अ वर्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 81π/7 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर
When the field is switched off, the drop is observed to fall with terminal velocity 2 into 10 to the power minus 3 meter per second, given g equals to 9.8 meter per second square, viscosity of the air 1.8 into 10 to the power minus 5 newton second per meter square, and the density of oil is 900 kg per meter cube. The magnitude of q is, क्या कह रहा है, एक छोटी सी ऑयल ड्रॉप है हमारे पास, उसके पास नेट चार्ज q है, वो रुकी हुई एयर में बैलेंस्ड फॉर्म में है, कब, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी वर्टिकली इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी जाएगी। क्लियर? तो वर्टिकली इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे होगी ये केस, ये हमारा ऑयल ड्रॉप है, इसके पास कुछ मास होगा तो ये एम जी डायरेक्शन, और कुछ इसके पास चार्ज है, चार्ज भी है, तो ये नीचे की तरफ है, अगर इसको हमें बैलेंस करना है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, वर्टिकल डायरेक्शन, वो भी ऊपर की तरफ, ये लगा दी, तो इसके ऊपर फोर्स कितना आ गया। ये केस कब है, जब स्विच क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगी, व्हेन स्विच इज ऑन, या इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन। क्लियर हो गया? तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि एफ इक्वल्स टू है हमारा क्यू ई, और दूसरा एफ इक्वल्स टू होता है हमारा एम जी भी है, तो यहाँ से क्या निकल रहा है, क्यू ई इक्वल्स टू एम जी। अब मास हमने पढ़ा है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मास इक्वल्स टू डेंसिटी वॉल्यूम इंटू जी, यह आ गया क्यू, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी अपॉन में ई। अब डेंसिटी तो चलो रो है, वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, 4/3 πr³ वी जी अपॉन में ई, इस इक्वेशन को मान लेते हैं फर्स्ट। अब क्या कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर देते हैं तो जो ड्रॉप है वो नीचे की तरफ गिरने लग जाती है किसी टर्मिनल वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है। अब हम वही करते हैं, व्हेन स्विच्ड इज ऑफ, स्विच ऑफ कर दिया यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म, इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म, तो सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, एक तो रह जाएगा वेट, और दूसरा अगर वो नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसमें विस्कस, दूसरी फोर्स होती है हमारी विस्कस ड्रैग फोर्स आ जाएगी, दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये होगा हमारा एम जी, और ये होता हमारा 6 πr³। क्लियर? एम जी फिर से वही डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, 6 πr, कैपिटल है यहाँ पे तो कैपिटल आर वी। अब इसका डेंसिटी एज इट इज वॉल्यूम निकाल देते हैं, 4/3 πr³ टू जी, 6 πr V, आर से आर स्क्वायर गया, स्क्वायर बचा, पाई से पाई ख़त्म हो गया, ये बचा हमारे पास 2। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √9 ईटा V अपॉन में 2 ρg। क्लियर? तो जो हमारी इक्वेशन बनी थी पहले, इक्वेशन फर्स्ट, अब उस इक्वेशन को हम यहाँ से उठाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट क्यू इक्वल्स टू 4/3 πr³ρg/E, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्वेश्चन सेकंड से, क्वेश्चन सेकंड से मैं आर की वैल्यू पुट करूँगा 4/3 πr। क्लियर? आर की वैल्यू मेरे पास 9 ईटा V अपॉन में 2 ρg स्क्वायर है, और उस पर क्यूब है तो कितना जाएगा 3/2, और आगे मल्टीप्लाई में ρg। क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 4/3 πr² क्लियर, 9 ईटा V अपॉन में 2। अब हमारे पास जो ये टर्म्स थी पीछे नीचे वाले 2, इसको छोड़ देते हैं और रो जी को बाहर ले आते हैं, रो जी को हम बाहर लेके आएंगे तो क्या होगा, रो की पावर 3/2 और जी की पावर 3/2, पर रो और जी बच गया, इनको जब सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो ये क्या इतना बन जाएगा, ओनली 1 बच जाएगा, 1 − 3/2 तो −1/2 तो अपॉन में 1/2, तो ये 1 1 बच गया। इसको कर देते हैं सॉल्व, तो हमारे पास आएगा वैल्यू 4/3 πe
नाइन ईटा वी बाई टू, थ्री बाई टू रह गया था, और इंटू वन अपन रो जी। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं सबकी, फोर बाई थ्री पाई इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू 881 पाई इंटू 10^5, और अपॉन में 7 था तो 7 ऊपर आ गया। 9 ईटा की वैल्यू दे रखी है 1.8 × 10^-5, इसका टर्मिनल वेलोसिटी हमें गिवन है 2 × 10^-3, ये वैल्यू भी गिवन है 2, इसका 3/2, और ये वैल्यू हमें गिवन है डेंसिटी 1/900, जी पता है हमें 9.8 को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 8 × 10^-19, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा था, 8 × 10^-19 डी ऑप्शन, तो चार्ज की वैल्यू हो गई है तो ऑप्शन हो गया हमारा डी। ये था हमारा क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टू स्फेरिकल कंडक्टर्स बी एंड सी हैविंग इक्वल रेडियाई एंड कैरिंग इक्वल चार्जेस इन देम रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स एफ व्हेन केप्ट अपार्ट एट सम डिस्टेंस। अ थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग सेम रेडियस एज दैट ऑफ बी बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद बी देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद सी एंड फाइनली रिमूव्ड अवे फ्रॉम बॉस द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन बी एंड सी इज। क्या कह रहा है, हमारे पास दो क्या हैं, स्फेरिकल कंडक्टर हैं। पहला स्फेरिकल कंडक्टर है हमारे पास बी, क्लियर, और दूसरा स्फेरिकल कंडक्टर है हमारे पास सी। दोनों के पास इक्वल चार्ज हैं और इक्वल रेडियस, इसका रेडियस अगर आर है तो इसका रेडियस भी आर है, इस पर चार्ज क्यू है तो इस पर भी चार्ज कितना है क्यू। अब क्या कह रहा है, थर्ड कंडक्टर लेके आए हैं हम, उसको पहले हमने बी के कॉन्टैक्ट में लेके आए हैं, अगर बी के कॉन्टैक्ट में थर्ड कंडक्टर आ रहा है हमारा सेम साइज़ का, तो ये हो गया बी के कॉन्टैक्ट में। अब बी के कॉन्टैक्ट में आया है ये, यानी ये कॉन्टैक्ट में आ रहा था, इससे चार्ज भी क्या होगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, इसके पास क्यू चार्ज था तो अब कितना बच जाएगा, क्यू बाई टू ट्रांसफ़र होगा। देन फिर इसको उठाया और इसको उठा के हम कहाँ ले गए, सी के पास कॉन्टैक्ट, ये आ गया सी के पास कॉन्टैक्ट में। अब सी के पास कॉन्टैक्ट में आया, यानी ये वाला हमारा ये आ गया, इसके पास था क्यू बाई टू, तो इसके पास चार्ज कितना बच गया, अब इसके पास चार्ज बच जाएगा क्यू बाई टू प्लस क्यू बाई टू, इट मीन्स 3 क्यू बाई 4, ये चार्ज बच गया इसके पास 3 क्यू बाई 4, क्लियर। अब फर्स्ट केस, जब इन दोनों के बीच में अगर हम फोर्स निकालते हैं विद बाय बिफोर कॉन्टैक्ट द थर्ड स्फीयर, तो फोर्स क्या निकलेगी बी सी पर, एफ ऑफ बी सी क्या निकलेगा, के क्यू स्क्वायर, और अपन में हम इसका डिस्टेंस कुछ ले लेते हैं, ये डिस्टेंस ले लेते हैं हम, इसका कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस होगा ऑन में एक्स स्क्वायर। अब क्या हुआ, हमने इसको कर दिया आफ्टर, उसको क्या कर दिया हमने, अनकॉन्टैक्ट कर दिया, तो रिमूव कर दिया उसे आफ्टर रिमूवल ऑफ थर्ड स्फीयर, थर्ड स्फीयर को हमने रिमूव कर दिया। अब रिमूव किया तो क्या आएगा, हमारा नया फोर्स जो आएगा डैश से मान लेते हैं, वो कितना होगा, के चार्ज बच गया मेरे पास बी वाले पर, ये जो बी था मेरा और ये था सी, बी वाले पे चार्ज बच गया क्यू बाई टू, सी पे चार्ज बच गया 3 क्यू बाई 4, नीचे क्या होगा डिस्टेंस का स्क्वायर, क्लियर। अब क्या होगा, इसको जब सॉल्व करते हैं हम, तो फोर्स कितनी आ रही है हमारे पास, आ रही है 3 k q × q² अपॉन में 8x², क्लियर। अब के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये क्या था हमारा एफ बी था, के क्यू स्क्वायर एफ बी सी, और ये है एफ बी सी डैश अपॉन में 8 अपॉन में x², तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एफ बी सी, तो एफ डैश बी सी जो आ गया वो 3/8 आ गया एफ बी सी के, इट मीन ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब देखते हैं किससे मैच करता है, ये मैच करता है हमारा डी से, तो ऑप्शन कितना आ गया हमारा डी, तो ये था हमारा क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, फोर चार्जेस इक्वल टू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द फोर कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर एंड अ चार्ज स्मॉल क्यू इज एट इट्स सेंटर। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ क्यू इज। क्लियर। तो सबसे पहले हमें बोला है एक स्क्वायर, तो स्क्वायर बनाते हैं पहले हम। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, क्लियर। इसके चारों साइड्स पे माइनस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू, तो हम इसकी साइड मान लेते हैं ए ए ए, और इसके सेंटर पर है प्लस क्यू चार्ज, क्लियर। अब क्वेश्चन समझना थोड़ा, माइनस क्यू चार्ज, इस माइनस क्यू चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा यहाँ पे। इस फोर्स को हम नेट कर लेते हैं F1। सेम ये माइनस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज भी इस पर एक फोर्स लगाएगा, तो इसको हम नेट कर लेते हैं F1। एंगल कितना है F1 में 90, तो इसका एक रिजल्टेंट बनेगा इधर FR। क्लियर, ये हो गया। अब ये वाला माइनस क्यू भी इस वाले माइनस क्यू पे एक फोर्स लगाएगा, इस वाले पे, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी रिपल्सिव फोर्स होगी, तो इसे लेट कर लेते हैं F2। अब ये माइनस कैपिटल क्यू चार्ज इस स्मॉल क्यू चार्ज पे कैसी फोर्स लगी, इस पे लगेगी एक अट्रैक्टिव फोर्स, जो कि हम लेट कर लेते हैं F3। तो यहाँ पे जो F3 होगा वो इन सारी फोर्सेस के यानी F नेट के बराबर होगा इक्विलिब्रियम में, तभी तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो अब एफ नेट निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एफ आर चाहिए, एफ टू चाहिए। एफ आर निकालने के पहले हमें एफ वन चाहिए और एफ टू निकल जाएगा हमारा। तो ये सारी चीज़ें हमें निकालनी है, ध्यान हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एफ वन। अगर थोड़ी कन्फ्यूजन होती है इसको मैं ए बी सी से कर देता हूँ। देखो अब इस ये डायगोनल कितना होगा, हमारे पास डायगोनल होगा रूट ए बाय रूट टू, डायगोनल मिल गया हमें ए बाय ए रूट टू जिसे कहते हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ए बाय रूट टू, सॉरी डायगोनल हमें मिल गया ए रूट टू या टू रूट टू ए, क्लियर, ए रूट टू, यहाँ तक हो गया। अब ए बी सी डी मैंने इसलिए से ईजी हो जाएगा। तो एफ वन किस किस के बीच में लग रहा है, एफ वन मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो एफ वन दो चार्ज लग रहे हैं मेरे पास, तो के सेम चार्ज है क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस ए स्क्वायर, ये लग रहा है हमारा ए बी वाले चार्जों पे, वाले जो चार्जेस हैं इस पर, क्लियर। एफ टू जो है हमारा वो लग रहा है हमारा डायगनली, तो ये होगा के क्यू बाय रूट टू ए का स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ मैं डायगनली, इसे इजली समझ में आ जाएगा। तो के क्यू स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, रूट टू का स्क्वायर टू, और ये आ गया ए स्क्वायर। अब F2 निकल गया हमारा, और हमें निकालना है F3। F3 कैसे जा रहा है हमारा, कैपिटल क्यू डायगनली लग रहा है, बट कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू पे, तो क्या होगा के क्यू क्यू। अब डिस्टेंस कितना होगा, पूरा डिस्टेंस रूट टू बाई ए, तो हाफ डिस्टेंस कितना होगा ए बाय रूट टू का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा 2KQAQ अपॉन में ए स्क्वायर। ये कौन से चार्जेस की वजह से लग रहा था, चार्ज क्यू और स्मॉल क्यू में, क्लियर। अब आगे का सॉल्व करते हैं। अब हम निकालते हैं इसमें एफ आर किस किस के बीच में था, हमारा था F1 जो दो F1 बन रहे थे उनके बीच में, तो ये होगा पैरेललोग्राम लगा देते हैं हम, प्लस 2F1 F2 कॉस कितना होगा, दोनों के बीच एंगल कितना था 90, ये ख़त्म, तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट टू F1, FR निकल गया, क्लियर। अब आता है हमारा ये, देखिए ये जो F नेट है ये किस किस के बराबर है, FR प्लस F2 के बराबर है, और साथ साथ वो अपोजिट F3 के भी बराबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि F नेट जो है हमारा वो दोनों का सम होगा, एक तो FR का F2 का, और जो कि इक्विलिब्रियम के से इक्वल है F3 के, क्लियर। तो FR की वैल्यू हम पुट करते हैं रूट टू F1, F2 को हम F2 रख देते हैं अभी, और F3 एज इट इज़। अब सबकी वैल्यू पुट करते हैं रूट टू, F1 की वैल्यू आई थी हमारी के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू आई थी हमारी के क्यू स्क्वायर अपॉन में
टू ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आई थी टू के क्यू ए अपॉन में ए स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से सब में से कॉमन लेंगे तो एक तो हमारा ए स्क्वायर कट जाएगा, एक के कट जाएगा और एक क्यू की एक पावर कट जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ बच गया रूट टू क्यू, रूट टू क्यू यहाँ बच गया प्लस ओनली क्यू बाय टू, और इधर बच गया ओनली टू। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे और क्यू कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास आएगा टू रूट टू प्लस वन अपॉन में टू, और यहाँ बच गया ओनली स्मॉल क्यू भी बचा था तो टू स्मॉल क्यू। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालनी है। स्मॉल क्यू की वैल्यू आएगी इधर आके मल्टीप्लाई, स्मॉल क्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारी वन अपॉन फोर टू रूट टू प्लस वन, और बच गया क्यू तो क्यू बाय फोर। अब ये देखना हमारा ये ऑप्शन कौन सा था, ये ऑप्शन था हमारा बी, तो आंसर आ गया हमारा बी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री चार्जेस माइनस क्यू वन प्लस क्यू टू एंड माइनस क्यू थ्री आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन क्यू वन इज प्रोपोर्शनल टू। हमारे पास तीन चार्जेस का अरेंजमेंट दे रखा है, गिवन है हमारे पास फिगर दे रखी है, तो ये बताना है कि एक्स कॉम्पोनेंट क्यू वन का एक्स कॉम्पोनेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। तो अब हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा एक बार और दोबारा से कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये हमारे डायग्राम हो गए, ये है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहाँ पे है माइनस क्यू थ्री चार्ज, थीटा एंगल बन रहा है, डिस्टेंस है ए, ये डिस्टेंस है बी, यहाँ पे प्लस क्यू टू चार्ज रखा है और माइनस क्यू थ्री। अब प्लस क्यू टू और माइनस क्यू वन चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगी असल की अट्रैक्टिव फोर्स, तो यहाँ पे मान लेते हैं टू की वजह से लग रही है तो एफ टू फोर्स। क्लियर। अब क्यू थ्री और क्यू वन दोनों ही सेम पोलरिटी के हैं, तो इन पर जो फोर्स लगी है वो कैसे लगेगी, एक है रिपल्सिव फोर्स, तो वो रिपल्सिव फोर्स हम मान लेते हैं एफ क्यू थ्री की वजह से लग रही है तो एफ थ्री। ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। क्लियर। अब क्या करना है हमें, हमें सिर्फ एक्स कॉम्पोनेंट निकालना है। एफ थ्री को कॉम्पोनेंट में रिजोल्व करूँगा तो एंगल के साथ वाला ये वाला कितना होगा, एफ थ्री कॉस 90 माइनस थीटा। क्लियर। अब हम करते हैं इसका जरा वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें निकालनी है एफ टू, क्या होगी वो के किस किस के बीच में चार्ज है, क्यू वन क्यू टू और डिस्टेंस है हमारा बी, तो बी का स्क्वायर। एफ थ्री क्या होगा के क्यू वन क्यू थ्री डिस्टेंस ए स्क्वायर, बट हमें किसके अलॉन्ग निकालना है, हमें एफ थ्री हमें निकालना है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एफ थ्री कॉस थीटा। तो एफ थ्री की वैल्यू आ गई के क्यू वन क्यू थ्री ए स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा हमें पता है क्या होता है, के क्यू वन क्यू थ्री टू साइन थीटा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालते हैं यहाँ पे एफ नेट, एफ नेट कितना होगा हमारा, हो जाएगा एफ टू प्लस एफ थ्री, क्योंकि दोनों एक ही साइड में एक्स कंपोनेंट के निकालने से फैक्ट कर रही हैं, एफ टू प्लस एफ थ्री। एफ टू हमारे पास के क्यू वन क्यू टू बी स्क्वायर, एफ थ्री है के क्यू वन क्यू थ्री साइन थीटा अपॉन में ए स्क्वायर। तो इसमें के क्यू वन हमारा क्या, एक मिनट क्यू वन क्यू थ्री और क्यू वन क्यू टू, चलिए अब हम इसमें से आ जाते हैं, एक तो k कॉमन ले लेते हैं और एक q1 कॉमन ले लेते हैं, तो यह आ गया हमारे पास q2 टू बाय बी स्क्वायर, यहाँ आ गया q3 थ्री बाय ए स्क्वायर और साथ में साइन थीटा।
क्लियर। अब हमें देखना कि किसके प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, तो इसमें कहाँ आ रहा है साइन थीटा, एक तो इधर आ रहा है, एक ये आ रहा है बी और डी में, लेकिन हमारा आ रहा प्लस में, तो हमारा ऑप्शन कितना आ गया, ऑप्शन आ गया हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चार्जेस इच इक्वल टू क्यू आर कैप्ट एट एक्स इक्वल टू माइनस ए एंड एक्स इक्वल टू ए ऑन द एक्स एक्सिस। अ पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू नॉट इक्वल टू क्यू बाई टू इज प्लेस एट द ओरिजिन। इफ चार्ज क्यू नॉट इज गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वाई मच लेस देन ए अलोंग द वाई एक्सिस, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। क्या दिया हमें, हमारे पास यहाँ पे दो चार्ज हैं जो कि एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं, ये हम एक्स एक्सिस बना लेते हैं, ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस, क्लियर, ये हो गया इसका ओरिजिन। तो एक चार्ज रखा ओरिजिन से प्लस एक्स इक्वल टू ए डिस्टेंस पर, तो एक चार्ज हो गया क्यू इधर और एक चार्ज हो गया क्यू इधर, तो ये हो गया हमारा ए डिस्टेंस पे, और दूसरा चार्ज हमें दे रखा है माइनस ए डिस्टेंस में, क्लियर। अब क्या कह रहा है, तीसरा चार्ज रखा हमने वाई एक्सिस के अलोंग ओरिजिन से, तो ओरिजिन से वाई एक्सिस के अलोंग हम यहाँ मान लेते हैं वो चार्ज हमारा क्यू नॉट, तो ये हो गया हमारा, तो ये क्यू नॉट इस क्यू पे कैसी फोर्स लगाएगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा एफ, और उधर से भी क्यू नॉट ही लगाएगा एक रिपल्सिव फोर्स एफ, अगर ये एंगल थीटा क्रिएट कर रहा था ये भी थीटा होगा। अब इसको रिजॉल्व करते हैं हम, ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ को रिजॉल्व करेंगे तो एफ कॉस थीटा और ये वाला एफ साइन थीटा, सेम इस वाले एफ को रिजॉल्व करेंगे तो फिर से ये बन गया एफ कॉस थीटा और ये वाला एफ साइन थीटा। अब एफ साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, हमें कैंसिल आउट, तो अगर हमें नेट फोर्स निकालनी है इस पे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एफ कोस थीटा प्लस एफ कोस थीटा, तो एफ नेट कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे आ गया एफ नेट इक्वल्स टू एफ कोस थीटा प्लस एफ कोस थीटा, और एफ साइन थीटा कैंसिल आउट, तो ये आ गया हमारा टू एफ कोस थीटा, क्लियर, टू एफ कोस थीटा तो आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें यहाँ करना है एफ़ की वैल्यू चाहिए, क्लियर, तो एफ़ की वैल्यू क्या होगी हमारी, एफ़ क्या हमारा दो चार्ज के बीच के यानी कूलम्स फोर्स लगा देंगे हम, तो के क्यू क्यू नॉट डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, हाइपोटन्यूज, अगर इस वाले को वाई एक्सिस हम वाई मान लेते हैं और वो ए दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, तो आ गया वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। अब कॉस थीटा को सॉल्व कर लेते हैं, कॉस थीटा क्या होता है हमारा बी बाय एच, तो बी कितना है अब हमारा, बी दे रखा है हमारे पास यहाँ वाई, और एच हम निकाल चुके हैं वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इन सारी वैल्यूज को क्या करते हैं हम पुट कर देते हैं एफ नेट में, तो एफ नेट आ रहा है हमारा टू के क्यू क्यू नॉट, उसका स्क्वायर सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्लियर, यहाँ पे आ गया कॉस थीटा की वैल्यू वाई अपॉन में अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करूँगा नीचे वाले डेनोमिनेटर को, तो क्या आएगा मेरे पास वन में वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक जगह पावर वन बाई टू, एक वन है तो थ्री बाई टू, क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या गिवन है, छोटी सी वैल्यू गिवन है कि वाई जो है मस्ट लेस देन ए है, तो वाई को क्या कर सकते हैं हम, नीचे वाई जो है स्क्वायर उसका क्या हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा टू स्मॉल, तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको नेगलेक्ट करेंगे तो मेरे पास एफ नेट की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास नेट वैल्यू ये टू के क्यू क्यू नॉट वाई अपॉन में ए की पावर थ्री, क्लियर, ए की पावर थ्री। अब हमें ये देखना है कि एफ नेट बताना है कि किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो हमारे पास जो था वाई के माइनस वाई के वन अपॉन वाई के या माइनस वन, तो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है यहाँ पे, एफ नेट जो हमारा आ रहा है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है वाई के, जो कि ऑप्शन है हमारा ए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, तो वाई एफ नेट आएगा हमारे वाई के प्रोपोर्शनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, हमारे पास क्वेश्चन है अ चार्ज क्यू इज प्लेस एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर
a charge small q is placed at each of the other two corners. If the net electrical force on q is zero, then q by small q equals to. क्या कह रहा है हमें? ये कह रहा है कि एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, क्लियर. इसके दो अपोजिट कॉर्नर्स पर कैपिटल क्यू चार्जेस है, तो ये हो गया, और बाकी दो पर है स्मॉल क्यू चार्जेस. तो हमें ये बताया, बोल रहा है कि ये नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है कैपिटल क्यू चार्ज पे, और वो है जीरो है दे रखी है हमें, तो हमें कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का रेशियो निकालना है. अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए देख, अब हमारा स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू दोनों की क्या है, पोलैरिटी एक जैसी है, तो ये इसको क्या करेगा, ये करेगा इसको रिपेल, तो ये मान लिया मैंने F1. सेम ये भी करेगा इसको रिपेल, तो ये दोनों भी सेम है, तो F1 दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो इन दोनों का F1 का रिजल्टेंट क्या आएगा, वो आएगा FR. अब हमें इसका साइड नहीं पता, तो L सपोज मान लेते हैं, तो ये डायगोनल कितना हो गया हमारा, ये डायगोनल आ गया √2L. अब ये कैपिटल Q और ये कैपिटल क्यू, जो ऑपोजिट वाले हमारे जो चार्जेस हैं दोनों, इस पे भी एक फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स. ये कौन सा लगाएंगे, सपोज ये फोर्स लगाएंगे F3. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से निकालते हैं हम F1. F1 क्या होगा हमारा, 1 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और अपॉन में L2. फिर हम निकालते हैं यहाँ पे F3 निकाल लेते हैं, F3 ठीक है, F3 या इसको F2 कह लेते हैं, वहाँ पे 2 है ही नहीं, तो F2. F2 अब हमारा क्या आएगा, F2 आएगा 1 के क्यू स्क्वायर अपॉन में √2L का होल स्क्वायर, जो कि आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2L2. F2 आ गया. अब हम यहाँ पे निकालते हैं FR. तो FR पैरेललोग्राम लगा देते हैं, F1 square 2 F1 cos 90. ये तो हो गया ज़ीरो, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया √2F1, क्लियर. यहाँ तक तो हो गया. अब हमें क्या निकालना है, अब हमें गिवन है एफ नेट कैसे आएगा. सबसे पहले एफ नेट आएगा अगर मैं F2 और FR को ऐड कर देता हूँ, बट हमें गिवन है कि जो नेट फोर्स है वो कितनी है, ज़ीरो है कैपिटल क्यू पे, तो F2 प्लस F3 कितना आ गया, ये आ गया ज़ीरो. अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, F2 प्लस FR. तो F2 की वैल्यू थी हमारी, F2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, या फिर दोनों को पहले क्या करते हैं, हम इसका साइड चेंज कर देते हैं, तो F2 इक्वल्स टू माइनस FR. अब FR आया हमारा √2F1, और ये था F2. अब F2 की वैल्यू पुट करते हैं, क्लियर. तो F2 की वैल्यू आ रही है 1/4πε0Q² / 2L², और इसकी वैल्यू आ रही है -√2, और F1 की वैल्यू थी 1/4πε0Q³ और अपॉन में L², यहाँ से L² ख़त्म, ये ख़त्म, एक सिंगल Q ख़त्म, तो Q/2 इक्वल्स टू -√2 q. हमें रेशियो निकालना है कैपिटल क्यू अपन में स्मॉल क्यू का रेशियो हो जाएगा -√2, जो कि हमारा क्या था ऑप्शन, वो ऑप्शन था हमारा ए. तो ऑप्शन आ गया हमारा यहाँ पे ए, तो ए हमारा आंसर हो गया -√2. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ. द स्ट्रिंग्स मेक्स एन एंगल ऑफ 30° विद ईच अदर when suspended in a liquid of density 0.8 gram per centimeter cube. The angle remains the same if the density of the material of the sphere is 1.6 gram per centimeter cube. The dielectric constant of the liquid. क्या कह रहा है, हमारे पास यहाँ पे दो identical charge sphere हैं जो किसी string पे लटके हुए हैं. तो दो identical charge sphere, पहला ये रहा, दोनों मिलके angle बना रहे हैं 30°. एक चार्ज फेयर ये रहा और दूसरा चार्ज फेयर ये रहा, तो ये एंगल बना रहे हैं हमारा 30. अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15, क्लियर. ये हो गया हमारा 15. अब ये दोनों
30 डिग्री क्यों बना रखी है, इन पर लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई, ये दोनों रिपेल कर रहे हैं, सेम चार्ज है एफ ई, क्लियर एफ ई है। तो इस पर एक वेट भी अप्लाई होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट इसमें टेंशन लग रही है यहाँ टी, इस टेंशन को अगर मैं रिजॉल्व करता हूँ, एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक बनेगा ये, तो ये एंगल कितना होगा हमारा, ये होगा 15, ये 15 है तो ये हो गया हमारा टी कॉस 15 और ये हो गया टी साइन 15, क्लियर हो गया। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होती है हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो यहाँ पे जो हमारा एफ ई आएगा वो आएगा हमारा टी साइन 15 के बराबर, और एम जी आएगा हमारा टी कॉस 15 के बराबर। अब क्या करता हूँ मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, मेरे पास इक्वेशन आएगी एफ ई अपॉन एम जी इक्वल्स टू टी, तो कट गया तो ये बच गया 10 15, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर। अब क्या कह रहा है ये, कह रहा है अगर इसी पूरे अरेंजमेंट को हम लोग किसी लिक्विड के अंदर डिप कर देते हैं जिसकी डेंसिटी कुछ दे रखी है, एंगल भी सेम है और उसकी स्फीयर की भी डेंसिटी दे रखी है, तो हमें डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट लगाना। अब क्या कर रहे हैं, किसी मटेरियल उसमें डिप कर देते हैं, जब डिप करेंगे तो ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो जाएगा। चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं, स्पेस चाहिए। हमने क्या करा, इसको डिप कर दिया, अरेंजमेंट सेम है सब कुछ, ये एक स्फीयर था, ये दूसरा स्फीयर था, फिर से ये फोर्स लगेगी, लेकिन इसका हम एफ ई डैश मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अब क्या आ गया हमारा मीडियम आ गया एफ ई डैश, ये टेंशन, ये टेंशन एंगल 30 डिग्री डिवाइड करके 15 डिग्री, यहाँ पे फिर से क्या होगा एम जी, ये टेंशन ले लेते हैं हम टी डैश, तो ये क्या हो जाएगा टी डैश कॉस 15 और टी डैश साइन 15। फिर से इसमें वही कंडीशन लगाते हैं, इक्विलिब्रियम एफ ई डैश इक्वल्स टू टी डैश साइन 15 और एम जी इक्वल्स टू टी डैश कॉस 15। फिर से दोनों को डिवाइड करूँगा तो एफ ई डैश अपॉन में एम जी बराबर 10 15, क्वेश्चन से अब दोनों 10 15 के बराबर हैं, तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देता हूँ मैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या आएगा हमारे पास, आएगा एफ ई अपॉन में एम जी इक्वल्स टू एफ ई डैश अपॉन में, सॉरी हमने वहाँ पे डेंसिटी को तो पुट नहीं किया, डेंसिटी रहेगी हमारी, चलिए हम डेंसिटी को पहले सॉल्व कर देते हैं, पहले डेंसिटी का काम तो ख़त्म कर देते हैं, डेंसिटी भी तो है इसकी कुछ, डेंसिटी तो अब हमारा एम जी को सॉल्व करते हैं, एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हमने पढ़ा है एफ, यहाँ पे दूसरी फोर्स कौन सी लगेगी जो टेंशन को बैलेंस करेगी, वो लगेगी हमारी एक और फोर्स लगेगी क्योंकि यहाँ पे लिक्विड है, तो एफ बी यानी बॉइंट फोर्स। तो सबसे पहला काम हम हमारा है यहाँ पे, एक दो ही क्वेश्चन हमारी बन चुकी है, क्लियर। तो पहले बॉइंट फोर्स निकाल लेता हूँ मैं, क्योंकि जो टी यहाँ पे जो ऐड होगा वो बॉइंट फोर्स भी ऐड हो जाएगी, यहाँ पर पॉइंट फोर्स हो गई क्योंकि यहाँ पे दो फोर्स ऑफ प्ले। अब हम निकालते हैं पॉइंट फोर्स, तो पॉइंट फोर्स का फॉर्मूला होता है रो इनटू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, कौन सी फोर्स है, फोर्स, क्लियर। और डेंसिटी इक्वल्स टू होता है हमारा मास अपॉन में डेंसिटी नीड, सॉरी डेंसिटी तो हमें गिवन है, डेंसिटी कितनी गिवन है हमारे पास 0.8, और वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है मास अपॉन में डेंसिटी। अब डेंसिटी किसकी आ गई, ये आ जाएगी हमारी स्फीयर की डेंसिटी, तो 0.8 इंटू मास हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू 1.6, तो ये आ जाएगा सॉल्व होके एम जी बाई टू, इस एम जी बाई टू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं एफ वी की जगह, तो एम जी बराबर टी डैश कॉस 15 प्लस एम जी बाई टू, इधर आके सॉल्व होके क्या हो जाएगा, ये एम जी बच जाएगा फिर से एम जी बाई टू, वन में से हाफ का तो हाफ, टी डैश कॉस 15, इक्वेशन बन गई सेकेंड। अब फिर से हम क्या करते हैं, इन दो इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किस किस इक्वेशन को, एक तो हमारे पास ये है
और एक ये इक्वेशन, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, टू एफ ई डैश अपॉन में एम जी, एम जी का टू पर आ गया और इधर बचेगा हमारा 10 15। इक्वेशन टू, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो कितना बचेगा हमारा, यह आएगा एफ ई अपॉन में एम जी, इधर है टू एफ ई डैश अपॉन में एम जी से एम जी ख़त्म। अब एफ ई, एफ ई क्या है यहाँ पे हमारा, एफ ई, एफ ई है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एयर में, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, चार सेम था क्यू अपॉन में, तो डिस्टेंस आर मान लेते हैं हम उसका, या जो भी है एल दे रखा है, एल मान लेते हैं, जो भी लेना है वो ले लीजिए। और यहाँ पे टू 1/4 पाई मीडियम में है, तो क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट और के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, सारी वैल्यू कट गई, ये ख़त्म ये ख़त्म, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से सॉल्व करके के की वैल्यू आ गई टू। अब ये टू कौन सा ऑप्शन था, ये था हमारा डी ऑप्शन, तो ऑप्शन आ गया हमारा यहाँ पे डी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 point charges +8Q and -2Q आर लोकेटेड एट x = 0 एंड x = L respectively. द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस 2 point charges 0 इज, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास x एक्सिस है एक, ये हमारी एक x एक्सिस है, इस x एक्सिस पे दो चार्जेस रखे हुए हैं पॉइंट चार्जेस, फर्स्ट पॉइंट चार्ज मान लेते हैं हम O पॉइंट पे रखा है, ये है हमारे पास प्लस 8Q जो कि कंडीशन दे रखी है x = 0 पे रखा है, दूसरा पॉइंट चार्ज हम मान लेते हैं A पॉइंट पे रखा है -2Q जो कि कंडीशन दे रखी है x = L पे रखा था, इसका मतलब ये डिस्टेंस हो गया हमारा L, तो इस एक्सिस पे वो पॉइंट बताना है जहाँ पे इसकी वजह से दोनों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो हम ये पॉइंट P मान लेते हैं जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी जिसका डिस्टेंस O से है x। अब ये A पे जो चार्ज है वो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा क्योंकि P पे हमने टेस्ट चार्ज रखा है, ये अट्रैक्ट करेगा तो EA इस डायरेक्शन बन गया, तो O वाला क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, वो बन गया इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से E नेट कितना आ जाएगा हमारे पास, E नेट जो आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट O प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, और हमें ये भी गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो है वो ज़ीरो है, तो यहाँ से आ गया ई ऑफ ओ प्लस ई ऑफ ए इक्वल्स टू ज़ीरो, क्लियर, उनकी वैल्यूज निकालते हैं। ओ पे क्या होगा, के 8Q और डिस्टेंस कितना आ जाएगा x² प्लस के माइनस क्यू और डिस्टेंस कितना आएगा x माइनस एल कर देंगे तो ये इतना बचेगा, तो x माइनस एल का स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो, इसको सॉल्व कर देते हैं, डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या आएगा, के 8Q अपॉन में x² माइनस टू, माइनस था इधर आके प्लस के क्यू अपॉन में एक्स माइनस एल का, के से के ख़त्म, क्यू से क्यू ख़त्म, तो टू से ये एट ख़त्म, फोर तो बचा 4 by x² = 1/x - L का, इसका स्क्वायर ले जाते हैं, इसमें सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 2 by x = 1/x - L, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x - 2L = x, तो x की वैल्यू आ गई 2L। अब ये ऑप्शन चेक करते हैं हमारा, ये जो ऑप्शन है ये दे रखा हमारा A, तो ऑप्शन आ गया हमारा A, ये हो गए हमारे क्वेश्चन सारे एंट्रेंस के जितने भी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें यहाँ पे, ये ख़त्म कर दिए, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ थिन सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस R हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट, द नेट फील्ड E एट द सेंटर O इज, हमें ये एक सेमी सर्कुलर रिंग दे रखा, तो पहले सेमी सर्कुलर रिंग बना लेते हैं, ये हमारा सेमी सर्कुलर रिंग, ये हो गया आई एक्स एक्सिस, ये हो गया जेड जे वाई एक्सिस, बाकी इसको ये हो गया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है पूरे पर, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस पर एक छोटा सा डी एल एलिमेंट लेट कर लेता हूँ, लेट कर लिया,
अब इस डी एल एलिमेंट के लिए हम चार्ज निकालते हैं, चार्ज क्या होगा, छोटा सा डी क्यू होगा। वो कैसे निकालेंगे, हम पहले नेट चार्ज इस पूरे रिंग की लेंथ और स्मॉल लेंथ, यहाँ से निकल गया डी क्यू की वैल्यू, क्लियर। डी क्यू निकल गया यानी यहाँ पे चार्ज है मेरा डी क्यू। अगर डी क्यू है तो यहाँ पे एंगल थीटा है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी ये, इसकी डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं हम, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा डी ई कॉस थीटा और ये हो गया डी ई साइन थीटा, क्लियर। डी तो अब हमें क्या करना है, हम पहले हम डी थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो डी थीटा इक्वल्स टू आर कपोन में रेडियस, आर कपोन में रेडियस, तो यहाँ से डी एल की वैल्यू आ गया हमारे पास डी थीटा इंटू आर या आर डी थीटा। तो इस आर डी थीटा को पुट करते हैं डी एल में, तो डी क्यू की वैल्यू आ गई मेरे पास क्यू अपन में फोर पाई पाई आर सॉरी, और ये आ गया आर डी थीटा, डी टी आर से आर ख़त्म, तो क्यू बाई पाई टू डी थीटा, ये आ गया डी क्यू की वैल्यू। अब हमारे पास दो डायरेक्शन आ रही है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हमें कौन सा कंसिडर करना है, तो उसके लिए सेम एक और करके देख लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा। एक और मैंने एलिमेंट ले लिया यहाँ पे डी एल, तो सेम एलिमेंट जब मैं लूँगा ये बनेगा डी ई, यहाँ बन जाएगा रिजल्व करेंगे तो डी ई कॉस थीटा, और ये बन जाएगा फिर डी ई, इट मीन्स मेरा डी ई कॉस थीटा हर बार कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ डी ई साइन थीटा कॉम्पोनेंट हमें रिजॉल्व करना है। तो जो ई वाई मेरा बनेगा वो क्या बनेगा, मेरा डी ई साइन थीटा को अगर मैं कर देता हूँ इंटीग्रेट जीरो से पाई के रिस्पेक्ट में, तो मेरा पूरा निकल जाएगा ओके अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डी ई की वैल्यू क्या है, सबसे पहले डी ई की वैल्यू होती है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ से डी क्यू की वैल्यू पुट करते हैं और वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और को बाहर ले लेते हैं, डी क्यू की मैंने वैल्यू पुट कर दी, डी क्यू की वैल्यू हमने वैल्यू निकाली थी क्यू बाय पाई इंटू डी थीटा और साइन थीटा, क्लियर। इसको बाहर ले लेते हैं तो हम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वन अपॉन फोर पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर भी था ये, इस आर स्क्वायर को भी मैंने बाहर ले लिया आर स्क्वायर यहाँ, और क्यू भी बाहर आ गया मेरा क्यू, यहाँ बच गया साइन थीटा और डी थीटा। इंटीग्रेशन तो पता चल गया हमें साइन थीटा डी थीटा का करना है, तो इस पूरी टर्म को भी छोड़ देता हूँ, मैं सिर्फ साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कर देता हूँ। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना आएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन आएगा मेरा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा जीरो से पाई, इस माइनस को बाहर लूंगा तो आएगा माइनस क्यू फोर पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, क्लियर। ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास क्यू अपॉन माइनस क्यू अपॉन फोर पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस वन, माइनस वन ये आ गया माइनस टू, माइनस टू का ये आ जाएगा माइनस टू क्यू अपॉन में फोर पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, टू से टू कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन में टू पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, डी। और डायरेक्शन ई वाई की जगह अगर मैं ई ले लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा क्या लग जाएगा जे कैप, तो ये बन गया टू पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो आंसर आ गया हमारा डी, ऑप्शन है हमारा डी करेक्ट।